तो गाइस क्या हाल आप सभी का भाई। आप सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है कि मैंने अपने रिलेटिव्स को जो कवर करा है, जितनी मैं घर में बना वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको कि घर में जो रेसिपी प्रिपेयर हो रही हैं, तो आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आज भी आपको मैं एक घर की रेसिपी दिखाने वाला हूँ, मॉम के हाथों की रेसिपी। तो चलिए फिर मॉम से पूछते हैं कि आज क्या बनाया उन्होंने। ठीक है, क्या बन रहा है मम्मा खाने में भाई? वेज बिरयानी। ये सारी सब्जियां हैं, गाजर, आलू, गोभी, बीन्स, मटर, ये प्याज है, टमाटर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, और ये पनीर भी इसमें ही डालना है। इतना सब कुछ? हाँ, और ये दूध में थोड़ा सा केसर घोला हुआ है। अच्छा, और ये पुदीना और धनिया काटा हुआ है, बिरयानी का ना थोड़ा मसाला है। अच्छा 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 अच्छा, ये थोड़े साबुत मसाले हैं, ज्यादा नहीं है। बड़ी तैयारी करी हुई है भाई। ये भी चावल उबल रहे हैं। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि वो आपस में चिपके नहीं। अच्छा, और जरा सा ये नमक, और ये थोड़ा सा जीरा, फिर ये दालचीनी का टुकड़ा डाल देती हूँ, मोटी इलायची, छोटी इलायची के ये, और दो लौंग। बस हो गया? हाँ। अब इसको ढक दोगे? हाँ, अब ये थोड़े 80% बॉयल हो जाएंगे ना, जब अच्छा अच्छा थोड़े अच्छा। से जब कच्चे रह जाएंगे तब फिर से सब्जियों में दम करेंगे, तो उसे कहते हैं दम बिरयानी। ये हो गए ना अब तो? इसका पानी निकाल लेंगे ना। ठीक है ठीक है, पानी फिर सब्जियों गलाने गलूने में जो है ना वो यूज हो जाएगा, क्योंकि सारे मसाले वसाले डाले हुए हैं। अगला स्टेप क्या मॉम? अगला स्टेप अब सब्जियां फ्राई करने का है। पहले ये प्याज डालूंगी। अच्छा, इसमें प्याज ना थोड़े ज्यादा तेज गैस पे ना, इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन से थोड़े ज्यादा। अच्छा, थोड़े ज्यादा। थोड़े से और हो जाए, इसमें थोड़े से डार्क ब्राउन चाहिए। रेडी है ना भैया? हाँ, ये रेडी है बेटे। बढ़िया, आप इसी में ही ना ये थोड़ा सा पनीर फ्राई। अच्छा, पनीर भी फ्राई करना है? हाँ, हल्का सा ना। अब इसमें ना थोड़ा सा ये जीरा और ये एक लौंग और थोड़ा सी इलायची डाल के ये सब्जियां फ्राई कर दूंगा। अच्छा, ये सारी सब्जियां ये कटी हुई पड़ी हैं? हाँ, ठीक है, क्योंकि गरम मसाले वगैरह मैं बहुत कम डाल रही हूँ, वो जो बिरयानी मसाला है ना उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारा गरम मसाला ही है। ठीक है ठीक है, जिसने ज्यादा खाना है वो डाले भाई। अब ये सारी सब्जियों को ना थोड़ा सा गला लेंगे, थोड़ा सा, और इसी में ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं, इसके साथ ही हो जाएगा ना। डालने को इसमें भी हम प्याज डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा प्याज अच्छे नहीं लगते, मीठे मीठे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाले हैं। इसमें मसाले वगैरह डाल के ना हल्दी वगैरह थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं, धनिया पाउडर, नमक ऑलरेडी उसमें भी है, क्या कहते हैं, चावलों में भी है, फिर ऊपर से भी हमने डालना है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, लाल मिर्च बिल्कुल जरा सा। टमाटर भी डाल देती हूँ ताकि वो भी साथ साथ ही हो जाएगा। हमें इसे गलाना है थोड़ा सा, इसे ढक देते हैं,
मैं इसकी खुशबू तो यहाँ तक आ गई भाई, प्रिपेयर होगी क्या ये? नहीं नहीं एक्चुअली इसमें खड़े मसाले डले हुए ना, उसकी खुशबू है। अब ये देख, अब ये सारी सब्जियाँ हो गई हैं हमारी, 80-90% गल चुकी हैं। ठीक है, इसमें पनीर भी डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, फिर दही डालूंगी। अगर गर्म में डाल देंगे ना तो वो फट जाएगा। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, बस 2 मिनट। चल अब ये दही ना फेंट के, गैस नहीं मैंने जलाई हुई, गैस बंद ही है। ये अच्छे से इसे मिला लो। ये ना अब आधी सब्जी निकाल लेंगे और आधी उसमें रहने देंगे। हाँ, आधी उसमें ही रहने देंगे। क्यों? अभी बता रही हूँ ना, इसमें ये आधी है ना सब्जी। अब गैस जला लिया मैंने, अब वो जो चावल उबाले थे ना हमने वो आधे इसके ऊपर फैला देंगे। देख लो भाई, प्रॉपर फैला दिए चावल इसके ऊपर। ये थोड़े से चावल फैला के वो जो प्याज हमने फ्राई किए करके रखे थे ना, ठीक है, ये थोड़े से ये प्याज फैला देते हैं। और ये जो केसर घोल के रखा था ना, दूध और केसर, हाँ वो दूध और केसर ये चारों तरफ ना, और ये हल्का सा काला नमक, मेरे को एक्चुअली काला नमक अच्छा लगता है, दूसरा भी डाल लो अच्छा, पर मुझे अच्छा लगता है काला नमक। थोड़ा सा ये काला नमक और वो थोड़ा सा ये जो बिरयानी मसाला है ना वो थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा गरम मसाले नहीं खाते हैं, तो ये थोड़ा सा ये डाल दिया। ठीक है, और फिर इसके ऊपर ये थोड़ा सा वो धनिया पुदीना जो काट के रखा था ना ये धनिया पुदीना कर दिया। और थोड़ा सा ना देसी घी, इससे ये चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी और वैसे भी ड्राई ड्राई से नहीं बनेंगे। वैसे तेल में बनाए हैं पर इसके ऊपर मैं देसी घी डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब बाकी जो सब्जी थी ना वो इसके ऊपर चारों तरफ फैला दो। अच्छा, मतलब नीचे भी सब्जी ऊपर भी सब्जी। हाँ 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 हाँ, बीच में एक लेयर हमने अभी चावल की लगाई है ना। तुम्हारी मर्जी है, जितनी मर्जी लेयर बना लो, ये तो लेयर अपने ऊपर है, दो बनानी और फिर इसके ऊपर फिर से चावल, फिर से वही सारा प्रोसेस ना। सैंडविच बन रहे थे सैंडविच नहीं बन रहे बेवकूफ। ये देख, ये चावल फैला दिए। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, इसके ऊपर सब्जी चावल, सब्जी चावल। हाँ, इसके ऊपर फिर से वो थोड़ा सा अच्छा, वो सारी प्रोसेस थोड़ा सा काला नमक। वैसे तो चावलों में भी नमक है, सब्जी में भी नमक है ना, और ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला। गैस मेरी बंद ही है, गैस नहीं जल रही। अच्छा, हाँ गैस बंद की हुई है। थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दिया और उसके बाद ये प्याज जो रह गए थे ना और ये थोड़ी सी ना, अब ये एंड में थोड़ी सी वो छोटी इलायची का चूरा मैंने रखा हुआ है, छोटी इलायची थोड़ी सी ना पीस के, साबुत तो डाली है, और ये केसर और दूध, हाँ ये सारे ही डाल दो अब चारों तरफ ना। ठीक है, और ये धनिया और पुदीने की पत्तियाँ और ये देसी घी। धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे 10 मिनट तक, मॉम ने कहा था।
हो गया प्रिपेयर? हाँ इतनी बढ़िया लग रही है। बहुत ही बढ़िया लग रही है ये तो। अब खा के बता कैसी है। भाई सामने आ गई है प्लेट मेरे, अब चलो इसे ट्राई करते हैं। देखने में तो कितनी टेम्पटिंग लग रही है, हमें बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है यार, अल्टीमेट लग रही है। तो धीमी आंच पे पकाया है ना मैंने इसे, चावल प्रॉपर कुक हुआ है। कोई भी कच्चा नहीं रह गया वेजिटेबल भाई, जितने डाले हैं वो हमने सबका भाई बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ओए होए टेस्ट है, ओए होए। दही के साथ ट्राई करके देखते हैं अब। दही के साथ तो भाई और भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। रेसिपी तुम लोगों को दिखा दी है पूरी की पूरी, क्या क्या करना है स्टेप वाइज। तो ये रेसिपी फॉलो करना घर में, पसंद आए तो कमेंट करके बताना और पसंद ना भी आए तो भी बताना। हमें तो भाई पसंद आ रही है तो हम तो तुम्हें बोलेंगे घर में ज़रूर ट्राई करो एक बारी। वेज बिरयानी कह लो, दम बिरयानी कह लो, अब बंदे बोलेंगे बिरयानी चिकन वाली को कहते हैं। हाँ चिकन वाली को कहते हैं, बट जो वेज खा रहा है उसके लिए भाई ये बिरयानी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट कहूँगा मैं तो। आज का भी खाने का गोटा हो गया पूरा मेरा। मिलता है तुमसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।